असल नाजरीन मैं हूँ अकीम जया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्ज नाजरीन आज की वीडियो पेशाब में जलन पेशाब की नाली में सोजिश पेशाब की तकलीफ के साथ आने से मुतालिक है कुछ लोगों को गुर्दो में इन्फेक्शन जिगर मसान की गर्मी बदहमी तेजाबियत कब्ज़ की वजह से या फिर गर्म मिसालादार और चटपटी गजाओं के कसरत इस्तेमाल से पेशाब में जलन का अर्जा लाक हो जाता है कुछ लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं पानी कम मकदार में पीना भी इस मर्ज का बायस बन सकता है खून और पेशाब में यूरिक एसिड की ज्यादती भी इस मर्ज का बायस बन सकती है मसाना में पथरी की वजह से भी सोजिश हो सकती है और कुछ लोगों में पेशाब की नाली की सोजिश और सोजाक भी इस बीमारी का बाइस बनते हैं औरतों में इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो अधूरा मिलाप है या फिर जलक होता है जो अहलील के अंदर और इर्द गिर्द इम्तला दमवी की वजह से वरम की हालत पैदा कर देता है और उनको पेशाब में जलन का अर्जा लाक हो जाता है तकलीफ़ शुरू हो जाती है नाजरीन आज की इस वीडियो में पेशाब में जलन सोजिश और तकलीफ के साथ आने का इंतहाई मजरब आसान सादा और बेजर सा नुस्खा बयान करूंगा जिसकी कुछ ही खुराकों से इनशाला जिसम की हिद्दत इतदाल पर आ जाएगी मसाना की गर्मी ख़त्म हो जाएगी और पेशाब में जलन का अर्जा भी दूर हो जाएगा नाजरीन इस मर्ज में पेशाब सुरख या जरती माइल बस और जलन के साथ आता है मरीज को पेशाब करते वक्त सख्त तकलीफ होती है शिद्दत मर्ज में पेशाब की नाली में सोजन हो जाती है पेशाब करने के बाद फिर हाजत महसूस होती है पेशाब कतरा कतरा आता है कुछ लोगों को हाथ और पाँव में भी जलन का एहसास होने लगता है नाजरीन अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ आज मैं आपके लिए पेशाब में जलन और सोजिश का बहुत मुजरब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ इस नुस्खे में चार अज़ा शामिल हैं चारों ही बेजर और मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी से मिलने वाले अजा हैं पेशाब की जलन में बहुत मुफीद हैं जिसम की हिद्दत को इतदाल पर ले आते हैं नाजरीन आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगा जीरा सफैद नाजरीन आपके सामने जीरा सफैद मौजूद है जीरा सफेद मैदा जिगर और आंतों को तकवीत देता है गुर्दा की कमजोरी में बहुत मुफीद है वर्मों को तहलील करता है पेशाब की रुकावट में बहुत मुफीद है आपको जीरा सफेद लेना होगा पच्चीस ग्राम दूसरे नंबर पर लेनी है रेवन चीनी रेवन चीनी मुकवी मेदव जिगर है जिगर के सुद्दे खोलता है और पेशाब की रुकावट में बहुत मुफीद है जिगर के अमराज खसूस यरकान में बहुत ज्यादा मुस्तमिल है नजरन आपके सामने मौजूद है ये रेवन चीनी है आपने रेवन चीनी लेनी है पच्चीस कराम तीसरे नंबर पर आपने लेनी है धनिया खुश्क धनिया दिलो दिमाग को फर्द पहुंचाता है रिया को तहलील करता है दाफ़ तबखीर होने के साथ साथ खफकान और वसवास में भी बहुत मुफीद है जिसम की हिद्दत को कम करता है और सफरा के जोर को तोड़ता है आपको धनिया खुश्क लेना है पच्चीस कराम और चौथे नंबर पे आपने लेनी है मिसरी नाजरीन मिसरी आपके सामने मौजूद है कूजा मश्री ये भी आपने पच्चीस कराम लेनी है नाजरीन जीरा सफेद रेबन चीनी धनिया खुश्क और मिसरी चारों अज़ा पच्चीस पच्चीस ग्राम मसाविल वजन लेकर कूट पीस कर सफू बना कर महफूज कर लें पेशाब की जलन के लिए सादा और बेजरा नुस्खा तैयार हो चुका है ये सफ़ू पेशाब की जलन सोजिश पेशाब की तकलीफ के साथ आने जिस समय हिद्दत सफरा की ज्यादा के लिए बहुत मुफीद है आधा चमच छोटा चाय वाला सुबह दोपहर शाम हमारा शरबत बजूरी या दूध की कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल कराएं इन न में बहुत मुफीद है नाजरीन इलाज के दौरान गोश्त अंडा लाल मिर्च बैंगन मछली दाल मसूर और मिसालदार मुर्गन गज़ाओं से ज़रूर परहेज़ करें बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों से परहेज़ करना नाजरीन इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़